हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे कम्युनिकेशन का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कंप्लीट कराऊंगी। यूनिट 1 से 10 पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा कॉमर्स का रहेगा, जिसकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग कराऊंगी एंटी नेट एग्ज़ाम की। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से मैं आपको कहूंगी, एक ही वर्ड मैं आपको हमेशा कहूंगी, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले समझो। जब आपके माइंड में ये रहेगा ना, समझना है मुझे, तो ही आप उस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपके माइंड में ये है कि ठीक है रीड करना है, रीड कर लो, लो मैं पढ़ देती हूँ, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज की टू, पढ़ दिया, लेकिन मैं आपको बोल रही समझो, उस वर्ड को पकड़ लो कि समझना है मेरे को। जब भी मैं पढ़ूंगी मैं क्या करूंगी, समझूंगी उस चीज को। अब समझने से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन ही समझते हैं। लर्निंग टू कम्युनिकेट, क्या सीख रहे हो आप? कम्युनिकेशन करना सीख रहे हैं हम, किसके साथ? किसी दूसरे इंसान के साथ। लर्निंग टू सीख रहे हैं, टू कम्युनिकेट, क्या सीख रहे हैं? टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना सीख रहे हैं विद अदर, दूसरे के साथ। इज की टू, ये हमें कहाँ लेकर जाएगा? क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना सिंपल तरीके से आप समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज अ की टू एलिमिनेटिंग द लिसनर्स ऑल फिजियोलॉजिकल नॉइज। क्या ये एलिमिनेट कर देगा फिजियोलॉजिकल नॉइज जो कि लर्नर की है, लिसनर की है? लिसनर कौन होता है? सुनने वाला, यानी कि रिसीवर। हमारा रिसीवर के पास जितनी भी फिजियोलॉजिकल नॉइसेस थी, फिजियोलॉजिकल नॉइस कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया हुआ है, एक होता है हमारा फैटिक, थकावट, हेडेक, इस तरीके की जो भी हमारी, मतलब हम थके हुए हैं, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हम बीमार हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कैसी नॉइस में आती है? हमारी फिजियोलॉजिकल नॉइस में आती है। तो हमारा लर्निंग, हम सीख रहे हैं कम्युनिकेट, बातचीत करना दूसरों के साथ, वो क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है लिसनर की फिजियोलॉजिकल नॉइस को, उसकी थकावट को, उसके सिर दर्द को वो ख़त्म कर देता है। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? नहीं है ये ऑप्शन सही, क्योंकि हम किस ये कम्युनिकेशन में है ही नहीं कि हम किसी की जो है फिजियोलॉजिकल नॉइस को ही खत्म कर दें, जो उसकी रुकावटें हैं उनको बंद कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको गलत ही ना समझा जाए। आपके घर पर भी जो है गलत आपको समझा जाता है, आपको बाहर भी समझा जाता है, तो हम कम्युनिकेशन इसलिए सीखते हैं कि हमें कभी भी गलत ही ना माना जाए। आप कुछ गलत वर्ड बोलेंगे या गलत किसी को बोलेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको क्या है, मिस, या फिर आप कुछ क्या है वो मिसअंडरस्टूड कर जाएगा, गलत समझ लेगा। तो इस वजह से नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है कि हम लर्निंग कम्युनिकेशन इसलिए सीख रहे हैं कम्युनिकेट करना दूसरे इंसान के साथ कि हमें कभी भी गलत ना समझा जाए, तो ये ऑप्शन अपने आप में ही गलत है। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, एस्टेब्लिश करना रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन अपने आप ही कट हो चुका, क्योंकि आपने इन दो में अच्छे से माइंड लगा लिया कि ये दो ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। इसके अंदर क्या ऑप्शन है कि ये एस्टेब्लिश करेगा, रिलेशनशिप बनाएगा, रिश्ता बनाएगा। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखेंगे ना दूसरे लोगों के साथ, आप अच्छे से बातें करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड होगा, लोगों के बीच में फ्रेंडशिप बिल्ड होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो अच्छी कम्युनिकेशन किस लिए हमें सीखनी चाहिए, ताकि हम जो है हमारे अच्छे रिश्ते जो है, अच्छे संबंध जो है वो बना पाए। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप सो आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।